है ये पता नहीं है। आयुर्वेद में पंचकर्म मेडिसिन इसके माध्यम से मधुमेह या डायबिटीज के ऊपर हम लोग एक ऐसे ही ठोस नींव जो माधव बाग ने रखी है जो है जापी, यानी ये जो पूरा रिसर्च है कि मधुमेह को एक इंसान मधुमेह से बाहर निकल सकता है उसका रिसर्च पेपर निकला है जापी के अंदर, यानी जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया जापी। यहाँ पे यानी पूरे भारत के डायबिटीज के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो अभी तक जैसे अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली किसी भी लोगों को डायबिटीज होता था तो उनकी जर्नी कैसी रहती है, उनकी एक सिंपल सी जर्नी होती है कि मुझे डायबिटीज मालूम पड़ा, मेरी शुगर बढ़ने लगी, उसके बाद में कुछ गोलियां शुरू हुई, वो एक गोली की फिर आगे चल करके दो गोली की तीसरी गोली लगती है, कुछ लोगों को उसके बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं होती तो इंसुलिन लेना पड़ता है, और इंसुलिन लेने के बावजूद भी उसमें रहता है बद्धी, जैसे कि एनिमा देते हैं बट ये एनिमा से बहुत आगे है, सिर्फ पेट साफ करने के लिए नहीं है, तो इसमें जो मेडिसिन का काढ़ा रहता है उसको एनालिजन से मतलब एनिमा के थ्रू उसको बॉडी में देते हैं, उसको बोल सकते हैं हम आजकल बहुत यूज हो रहा है डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर की सारी गंदगी बाहर निकलती है और उसके साथ हमारी कुछ मेडिसिन रहती हैं, तो ये सारा कुछ साथ में मिल के हम ये जो डायबिटीज़ है मधुमेह इसको हम कम करते हैं। फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि फिर आपको ये जो एलोपैथी दवाइयाँ चल रही हैं वो लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उनको धीरे धीरे बंद करते हैं, कुछ समय के बाद वो पूरी बंद हो जाती हैं, फिर हमारी दवाइयाँ भी बंद हो जाती हैं, एक हाथ दो चलती हैं, फिर जैसे हम GTT जब पेशेंट का हम HbA1c होता है वो चेक कराते हैं 3-3 महीने की शुगर का एवरेज, जब हमको लगता है कि अब ये नॉर्मल रेंज में आ गया है तो फिर हमारी दवाइयाँ भी बंद हो जाती हैं। महेश साहू जी, राजस्व निरीक्षक हूँ मैं जिला कार्यालय में। मैं 2 माह पहले ब्लड टेस्ट कराया, उसमें मुझे शुगर 225 प्लस आया था, तो मैं इनकी जो चिकित्सा करने की पद्धति है वो ऐसा है कि पहले आप टेस्ट करा के आइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो हमारे ब्लड टेस्ट में जो प्रॉब्लम आया उनको इन्होंने समझा और बताया कि उसके हिसाब से आपको ये ट्रीटमेंट लेना है। मैंने उसका ट्रीटमेंट का अच्छा सा पालन किया और उसके पहले डायबिटीज जो बीमारी है वो भी पूर्ण रूप से ठीक हो सकती है। ये बात बताने में आज मुझे बहुत खुशी होती है कि पिछले 6-7 साल से जो हमारी संस्था मेहनत कर रही थी, माधव बाग जो मेहनत कर रही थी, जो रिसर्च कर रही थी, उससे ये बात अब साबित भी हो चुकी है और इस बात को जापी जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया ने भी मान्यता दी है कि आयुर्वेद की चिकित्सा का पालन करते हुए, अपने जीवन शैली में बदलाव करते हुए आप डायबिटीज को बिना किसी दवाइयों के हरा सकते हो, उसे मात दे सकते हो। और इसके साथ साथ जो मैंने बताया कि जनरल ऑफिसर जापी में हमें जो मान्यता मिली है, जो हमारा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, उसमें यह भी साबित हो चुका है कि एक बार आप इसको हरा दोगे तो आगे चल करके भी कई सालों तक आपको इस बीमारी के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, आप अपनी लाइफस्टाइल के जो बदलाव है उससे ही इस डायबिटीज को जीवन भर भी अपने शरीर से दूर रख सकते हो। मैं डॉक्टर सादिक खान माधवबाग का जोनल मेडिकल हेड हूँ और हमारे तकरीबन 60 से ज़्यादा क्लिनिक की निगरानी मेरे अंडर में होती है, उनके पेशेंट्स की रिसर्च और उनकी ये जो चिकित्सा हो रही है तो उसका फल क्या होता है इसके ऊपर मेरी जिम्मेदारी भी होती है और नज़र भी होती है। आपकी बीमारी के ऊपर होता है, किसी का 30 दिन का भी होता है, किसी का 60 दिन का भी होता है, पर हम तकरीबन 90 दिन का यानी कि 3 महीने का ये कोर्स कहते हैं, बट उसके बाद में एक बार पेशेंट का वो कोर्स हो जाए तभी भी हम उसे साल भर कम से कम हमारे साथ जोड़ के रखते हैं, फॉलोअप में रखते हैं ताकि जड़ मूल से ये बीमारी खत्म हो। साइंटिफिक डाइट हमें करनी पड़ती है, इसीलिए वो पीरियड के लिए 1-2 या 3 महीने के लिए जो डाइट की सामग्री है, जो उसके रॉ मटेरियल है, वो माधवबाग खुद आपको प्रोवाइड करता है। ये डाइट आपको औषधि की तरह काम करता है और ये इतने पीरियड ही लेना होता है। एक से आपका शुगर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए तो आप धीरे धीरे अपने नॉर्मल डाइट पर, घर के डाइट पर शिफ्ट हो जाए। खर्च की बात करें तो कितना? खर्च के बारे में जैसे मैंने बताया कि आपकी बीमारी के हिसाब से ये खर्च होता है। एक ट्रीटमेंट जो हमारी होती है उसका तकरीबन 1400-1500 रुपये खर्च आता है। जैसे मैंने बताया कि उसको हफ्ते में एक बार ऐसे 2-3 महीने वो लेनी पड़ती है ट्रीटमेंट, तो उसके हिसाब से उनको खर्चा। देश भर में शुगर के जो मरीज है वो बढ़ रहे हैं, क्या कारण लगता है इसके पीछे?
इसका एक ही कारण है और ये आई थिंक सबको पता भी है, पर शायद इससे ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोलने से लोगों को शायद ज़्यादा समझ में आए। तो इसका एक ही कारण है, वो जाता है आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी और उससे आने वाला स्ट्रेस जो है, इसको ये स्ट्रेस, बिगड़ा हुआ आहार विहार और एक्सरसाइज की जो कमी है, ये बहुत बड़ा कारण है भारत को डायबिटीज की राजधानी बनाने के लिए। कि मिसकंसेप्शन है, बहुत बार ये इस्तेमाल किया जाता है कि शुगर के लेवल रिपोर्ट बदल दिए जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायबिटिक्स डिक्लेयर किया जाता है। कैसा है ये, जो भी चेंजेस होता है ये इसके पीछे काफी हद तक की रिसर्च होती है। हर बार ये कोशिश की जाती है ये पता करने की कि आपकी शुगर कितनी रहेगी तो आपको कम से कम रिस्क है, क्योंकि डायबिटीज को क्यों मैनेज करना है, अच्छा ये शक्कर मुझे कुछ नुकसान कर रही है, हाँ क्या कर रही है, मेरे लिवर किडनी आंखों को ब्रेन को हार्ट को नुकसान पहुंचा रही है। तो ये रिसर्च होता रहता है कि भाई शुगर इस लेवल में रखी गई तो सबसे कम चांसेस है आपको हार्ट डिजीज होने के, आपको पैरालिसिस का अटैक, किडनी को नुकसान होने के, उस हिसाब से वो लेवल बताई जाती है। सर ने जो HbA1c बताई, मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया टेस्ट वही है। HbA1c की लेवल अगर आपकी 6.5 या उससे नीचे है तो आप बढ़िया स्टेज में हो, एक्चुअली वो 5.7 के नीचे होनी चाहिए, 5.8 के नीचे होनी चाहिए तो आपको बिल्कुल डायबिटीज का कुछ नहीं है, 5.8 से 6.5 है तो आप बॉर्डर लाइन पर हो, और 6.5 से ज़्यादा है मतलब आपको डायबिटीज है और वो कंट्रोल में नहीं है।